नमस्कार, मैं हूँ धनश्री। खबर समझ जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ातरीन खबरों की ओर। भोपाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हरा भरा मध्य प्रदेश में अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने पौधारोपण कर की। इस अभियान के तहत 3 चरणों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश में 75 लाख पौधों का रोपण करेंगे। जो ये वर्ष हृदय कुशवाहा ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर हम मना रहे हैं, उसी अभियान के निमित्त जो संगठन काम के सुदृढ़ीकरण, संगठन काम के विस्तार के साथ सभी मोर्चों ने, जिसमें खास तौर पर युवा मोर्चे ने अलग अलग सेगमेंट के यूथ को जोड़ने का काम जो मध्य प्रदेश के अंदर इस वर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेतृत्व में मिलकर के जब तय किया, तो उस दिशा में आज एक कार्यक्रम का स्वरूप युवा मोर्चे ने तैयार किया है। इस हरा भरा मध्य प्रदेश के इस अभियान के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि मैं तो कहता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने वाले ऐसे लोग जो पर्यावरण पर ही दिन भर काम करते हैं, जिनकी छवि पर्यावरणविद की है, मैं ये नहीं कहता कि वो इतना नहीं करते होंगे, करते होंगे, लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अपने जीवन के अंदर लगातार 1.5 वर्ष से वो प्रतिदिन पौधा लगाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, कि हम सब नौजवानों के लिए मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र में और पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़े उदाहरण के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित है, मैं उनका बहुत हृदय से युवा मोर्चे की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और युवा मोर्चे की पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते आपका आभार भी प्रकट करता हूं। एक अभिनव कार्यक्रम युवा मोर्चे ने हाथ में लिया है। हम बाकी कार्यक्रम अनेकों करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते भी हैं, वो सब कार्यक्रम चलेंगे भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी और अब हमारे नेतृत्व करने वाले दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित जी, भारतीय जनता पार्टी को केवल ये नहीं कि सत्ता प्राप्त करके सत्ता चलाने का माध्यम है, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है देश बनाने का, देश को आगे बढ़ाने का। और इससे आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बस देश नहीं, दुनिया को बचाएंगे भी और दुनिया को बनाएंगे भी। और पर्यावरण के उन्होंने कुछ लक्ष्य हमारे सामने रखे, कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना, ये उन्होंने टारगेट हाथ में लिया। और मित्रों, वो काम अगर पूरा करना है तो उसका प्रभावी माध्यम है वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। अब पेड़ लगाने कभी कभी एक फैशन जैसा हो जाता है, लेकिन मेरे मन में भी लगा, देखो मैं विशेषकर युवा मोर्चे के अपने साथियों को कहना चाहता हूं, एक पेड़ लगाने का अर्थ क्या है, कभी एक बड़े पेड़ के पास जाके देख, कितनी जिंदगियां, कितनों को जिंदगियां देता है पेड़, इंसान को तो वो देता ही है, ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाए, हमारा जीवन ही पेड़।
दाता है, लेकिन हमें तो जीवन देते ही है। एक पेड़ पे देखना शाम को पक्षी कलरव करते हुए रात्रि विश्राम करने उसी की शरण में जाते हैं। कितने पक्षियों का भोजन है पेड़, कितने पशुओं का भोजन है पेड़, फल हो पत्तियां हो डालियों से छाया देना हो। और ध्यान से अगर देखोगे तो एक वयस्क पेड़ में लाखों जीव जंतु कीट पतंगे चींटे चींटी पलते हुए नजर आएंगे, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं उसी पर रह रहे हैं उसी में भोजन प्राप्त कर रहे हैं। पेड़ जीवन दाता है, जिंदगी देने वाले। लेकिन इंसान कई बार कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, आभार प्रकट नहीं करता, उसने बेरहमी से इन्हीं पेड़ों पर अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए कुल्हाड़ियां चलाई, जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, प्रकृति से खिलवाड़ किया तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के खतरे सामने आ गए। आज सारी दुनिया परेशान है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का क्लाइमेट चेंज का असर है कि यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं, बाढ़ के दृश्य हम देख रहे हैं कितने भयानक दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। अभी पाकिस्तान आधा बह गया, आपने देखा कितनी भयानक बाढ़ है। पूरी दुनिया में प्राकृतिक संकट इसके कारण पैदा हुआ। और अपने देश में भी हम जो बाढ़ के दृश्य देख रहे हैं, पानी आता तो ऐसा आता है कि फिर बंद ही नहीं। अब भोपाल ने भी वर्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले। तो या तो नहीं आना या ऐसा आना है कि तबाही मचा देना, ये होता है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।